महाराष्ट्र में अनलॉक के बाद से सरकार ने लगभग सब कुछ खोल दिया है, लेकिन मंदिर खोलने में अभी तक पाबंदी है। ऐसा आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र की तरह अनुशक्ति नगर बीजेपी की ओर से सरकार के खिलाफ घंटानाद आंदोलन किया गया। अनुशक्ति नगर बीजेपी अध्यक्ष दिनेश बबलू पांचाल के नेतृत्व में गोवंडी में श्री सत्य देवी मंदिर के बाहर आयोजित इस घंटानाद आंदोलन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विट्ठल खरडमल, अनिल ठाकुर, श्रीनिवास शुक्ला, श्रीनिवास मुरारी, वीर सिंह देवरिया और श्रीधर ठोंबरे सहित सभी स्थानीय महिला व पुरुष पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा है, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है। हमारा मांग यही है कि अगर हमने बार खोल के रखे है, हमने वाइन शॉप खोल के रखे है, हमने दुकानें खोल के रखी है, हमने बार शॉप के रखे है, रोजमर्रा की जिंदगी अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप सब लोग आ रहे जा रहे हैं, तो मंदिर में भी थोड़ी कुछ लिमिटेशन रख कर आप खोल सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ने ये पहल की, इसके लिए उनको रुकाना और महाराष्ट्र में हम करने नहीं देंगे। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाना और ये खेल खत्म करो। महाराष्ट्र की जनता परेशान है, जो कोंकण में गए थे उनके लिए भी परेशानी हुई है, उनको जाने नहीं दिया, ट्रेन रेडी थी छोड़ने नहीं दिया, एसटी सब लोग अंदर कोंकण में पहुंचने के बाद एसटी छोड़ रहे करके अनाउंसमेंट कर रहे, ये खेल खत्म करो, ये चलने वाला नहीं है। और मैं सरकार को आह्वान करता हूं कि आप निर्णय करेंगे तो तीन पार्टी अगर चला रही है तो तीन साथ एक साथ बैठो, एक गृह मंत्री निर्णय करता है और मुख्यमंत्री उसको खारिज कर देता है, ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के कारण ये आपको आह्वान करते हैं कि अभी ये मंदिर खुले करो, लोगों को जाने दो, लोग परेशान हैं घर में बैठ कर, लोगों को प्रार्थना करने दो और मंदिर में जाकर उनको जो शांति मिलेगी वो उनको लाभ लेने दो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये जो तिगाड़ी की सरकार हो, ये सरकार को भगवान उनको अच्छी बुद्धि दे, ये कहने के लिए घंटा लेकर हम लोग मंदिर के सामने, महाराष्ट्र में हर मंदिर के सामने खड़े हैं। लोग 6 महीने से लोग लॉकडाउन के वजह से परेशान है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग आदमी तक परेशान है, घर में पूजा पाठ तो करता है लेकिन मंदिर में जाकर उसको जो शांति मिलती है, वो शांति मिलने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, ये सब धार्मिक स्थल जल्द से जल्द ओपन करना चाहिए, ये मांग लेकर भारतीय जनता पार्टी आज मंदिर के सामने घंटा बजाकर सरकार को विनंती कर रही है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी हमारे जिला के जिला अध्यक्ष राजू जी शिरोडकर साहब, हमारे मुंबई के उपाध्यक्ष करणमल साहब और महामंत्री हमारे श्रीनिवास शुक्ला जी, हमारे वार्ड अध्यक्ष शिवशंकर पांडे, रामास्वामी जी, सुनील खरटमल, महेश पांडे, जगजीवन पाटिल, प्रदीप हारम और मंडल के पदाधिकारी, जिला के सब मेरे भाजपा के सब कार्यकर्ता, अब यही बोलना है कि बार खोलो सरकार, इनका हम निषेध करते हैं। हमें मंदिर खोलने वाली सरकार चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बार खोलने परमिशन देती है और मंदिर खोलने के लिए उनको कोरोना हो रहा है, और ऐसे सरकार का हम निषेध करते हैं। जो हमारे भक्तगण जो यहाँ पे पूरे मंदिर में मुंबई में आरती कहते पूरे मुंबई में आज सिद्धिविनायक से लेके मुंबा देवी हो, महालक्ष्मी हो या पूरे गणपति मंदिर हो, आज जितने गणपति मंडप पंडाल है उन्होंने भी, उनके भी पास सब मंदिर है सब है, पर भक्तगण को जाने नहीं मिल रहा। आज इधर कोरोना महामारी में जो मॉल है इनको खुला करके सरकार क्या बताना चाहती है कि मंदिर में जाने के बाद, मस्जिद में जाने के बाद, बुद्ध विहार जाने के बाद कि ये कोरोना हो जाएगा, और ऐसे सरकार का हम निषेध करते हैं। आने वाले वक्त में जो मंदिर खुली नहीं तो अनुशक्ति नगर तीव्र आंदोलन करेगी, और हम हाथ में बंगड़ी पहन के बैठे नहीं है, ताला खोलना हमें भी आता है, सरकार का निषेध हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
वंदे मातरम। जय भारतीय जनता पार्टी च्या वतीने विरोधी पक्ष नेत्या दादांनी आम्हाला आवाहन केलेलं आहे की आपण महाराष्ट्रामधून घंटानादचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावा, कारण की आता सर्व लॉकडाऊन ओपन झालेला आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी लॉकडाऊनची जी वेळ दिलेली आहे ती संपून गेलेली आहे आणि लोकांना चांगल्या पद्धतीने जीवन जगतावं या उद्देशाने आता सर्व दारं खुलण्यात यावं, धंदा ई पास चालू करण्यात यावं, धंद्याचं नियोजन चांगल्या पद्धतीने व्हावं, आर्थिक घडी मजबूत व्हावा या उद्देशाने आम्ही सरकारने वेळोवेळी सांगत आहोत। मात्र सरकार हे उद्धव सरकार काही लक्ष देत नाही आहे एवढं आणि त्याचं आव्हान करण्यासाठी आम्ही कार्यकर्ते जमलेलो आहोत। कॅमेरामॅन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।